और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, चिन्मयानंद पर रेप आरोप मामले में पीड़ित पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और ये मांग की है कि उसका जो केस है वो लखनऊ से दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। पीड़ित ने ये भी कहा है कि क्योंकि उसकी जान को खतरा है लिहाजा उसका जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और मंडे को इस मामले पर सुनवाई होगी। एहतिशाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एहतिशाम, इस याचिका में क्या मांग की है पीड़ित ने, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आज उस पीड़ित महिला की तरफ से वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी और अर्जेंट अपील की कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि उस पीड़ित महिला के जान को काफी खतरा है और मुख्य न्यायाधीश ने भी उन चीजों को समझा और कहा कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें फौरन पुलिस से सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सलाह दी वकील को कि वो पुलिस में एक आवेदन दें कि फौरन सुरक्षा दी जाए और जो उनके ट्रांसफर की मांग है कि उनकी याचिका को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, इस पर सोमवार को सुनवाई होगी और पुलिस का पक्ष जानने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे का आदेश देगा। और कोर्ट ने भी चिंता जताई कि अगर किसी महिला पीड़ित के जान को खतरा है तो पुलिस को उसमें सुरक्षा देनी चाहिए। जी बिल्कुल एहतिशाम, तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित की तरफ से चिन्मयानंद के खिलाफ ये कहते हुए कि मेरी जान को खतरा है लिहाजा उसका जो केस है वो लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए।